भारतीय योग पत्ती को आज विश्व झुककर प्रणाम कर रहा है, जिसका मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाकर एक मुकाम पर पहुंचाना रहा है। 2015 से 21 जून विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हजारों वर्ष पुराने योग को यहां तक लाने में कई महापुरुषों का योगदान रहा। भारत में इसे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले प्रभु रामलाल जी, उनके उपरांत योगेश्वर मुल्कराज जी, इनके काल में देश के विभिन्न राज्यों में 10 योग आश्रम चल रहे। इस सफर को आगे बढ़ाया स्वामी देवी दयाल जी महाराज और सारे भारत में तो प्रचार प्रसार किया ही, देश विदेश में भी 90 से ऊपर निःशुल्क योग प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए गए। इसी संदर्भ में प्रभु रामलाल जी महाराज के 136वें जन्मोत्सव पर चंडीगढ़ योग सभा ने प्रधान सुरेश कुमार के निर्देशन और महासचिव नरेश कुमार की देखरेख में योगाचार्य नेगी जी द्वारा 4 दिवसीय योग प्रशिक्षण कैंप 13 अप्रैल से 17 अप्रैल 2024 तक योग दिव्य मंदिर में लगाया जा रहा है। 84 लाख योनियां, 84 लाख आसन पर आम जनता के लिए 84 आसन को मेन बताया गया है। योगियों ने इसको 84 आसन निर्धारित किए हैं। उस 84 में भी गैरन संहिता ने 32 आसन बताए कि भाई 32 आसन करो, बाकी षटकर्म पे काफी जोर दिया हुआ है। प्रभु जी ने हमें जीवन तत्व के कुछ सरल आसन बताएं, वो 7 आसन कम से कम होते हैं। 7 आसन तो डेली नियम से करो, चाहे कितने भी आपको समय कम हो, कितना भी तकलीफ हो, ये 7 आसन आपको बीमारियों से बचा सकता है। बीमारी हो तो बीमारियों को ठीक कर सकता है। इस तरह से प्रभु जी ने योग को सरल तरीके से जन जन तक पहुँचा है। हम भी उन्हीं के कहे, उन्हीं की आज्ञा को निभाते हुए चंडीगढ़ योग सभा जगह जगह कैंप लगाती है और चंडीगढ़ के इर्द गिर्द जितने भी दुखी लोगों का यहाँ पे निःशुल्क सेवा किया जाता है। अच्छा नेगी जी, योगेश्वर श्री रामलाल महाप्रभु जी का 136वां पावन जन्मोत्सव जो इसी हफ्ते में है और दिनांक 13 अप्रैल से 17 अप्रैल में 17 अप्रैल 2024 में, आप क्या विशिष्ट कर रहे हैं योग को लेकर? योग के लेके हम तीन दिवसीय निःशुल्क शिविर लगाया जी इसमें हमने, और पहले दिन ही लगभग 200+ लोग आए और काफ़ी लोगों ने पहले दिन ही काफ़ी प्रशंसा की और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये लोग बढ़ेंगे। तो नेगी जी, मुख्य कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो आम जन में पाई जाती हैं और योग द्वारा बड़ी सरल विधि से दूर की जा सकती हैं, उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मुख्य बीमारियां तो आजकल तनाव बहुत है जी, लोगों को ठीक ढंग से नींद नहीं आती, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, घर घर में शुगर घुस गया है, थायराइड हर घर में तकरीबन है। ऐसे लोगों का इलाज तकरीबन ये शारीरिक के अलावा मानसिक ये तनाव उसके कारण बढ़ता है और मानसिक तनाव का सबसे बढ़िया इलाज योग में ही है, प्राणायाम में है, ध्यान में है, दवाइयों में इसका इलाज कम ही है। नेगी जी, आप बड़े लंबे समय से योग द्वारा ट्राई सिटी और इसके आसपास लगभग 100 किलोमीटर तक लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं चंडीगढ़ सेक्टर 30 के योग दिव्या मंदिर द्वारा। हाँ, तो कुछ ऐसे उदाहरण होंगे आपके पास जो हमारे आसपास के लोग हों, ट्राई सिटी के लोग जो असाध्य बीमारी से पीड़ित हों और योग द्वारा आपने उनका उपचार किया हो और आज वो स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हों? मैं बहुत दूर तो नहीं जाता हूँ जी, अभी पिछले 2-3 महीने पहले एक यहाँ चंडीगढ़ पुलिस में है हमारे ओम प्रकाश जी, उनको नींद की बड़ी परेशानी थी, 32 सेक्टर में दाखिल भी हो गए थे। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ समय यहाँ दाखिल होना था, तो वो बोलते हैं मैं तो योग दाखिल होके मशीनें लगा के मेरा सांस फूट रहा था, तो मैंने वो बोला मेरे को छुट्टी दे दो, वो यहाँ आए और यहाँ योग के द्वारा उन्होंने कुछ ही समय आसन प्राणायाम और कुछ क्रियाएं, नाक से दूध पीना इत्यादि ऐसी क्रियाएं हैं, या मेडिकेट घी होता है गाय का वो नाक में डालना, उससे उनकी नींद की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। अब वो नियमित ऑफिस भी जा रहे हैं और उनको नींद भी ठीक आती है। ये तो चंडीगढ़ है। एक अभी कुछ समय 5-6 महीने पहले एक पठानकोट से आंटी आई थी, उनके हस्बैंड फौज से रिटायर हुए हैं, वो 40s में उन्होंने घुटने बदलने थे, तो किसी ने 40s में बताया था भी आप पहले ऑपरेशन करने से पहले वो 40s में आ चुके थे, तो उन्होंने यहाँ भेजा कि पहले एक बार योग दिव्य मंदिर में जाके आप उनसे सलाह ले लो। उन्होंने यहाँ 9 दिन वो रुके थे, 9 दिन में ही उनको घुटने बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अभी वो ठीक हैं। उनके बेटा अभी पिछले हफ्ते आया था तो वो बोलते जी काफ़ी ज़्यादा ठीक हैं,
वो उनको घुटनों के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो उसका बेटा कहके गया अभी कोई 7 महीने के बाद। ठीक है जी। नेगी जी, आजकल आईटी का जमाना है, लगभग जो नई जनरेशन है उसमें से 80% बच्चे जो हैं सिटिंग जॉब कर रहे हैं, और जो अभी पढ़ रहे हैं वो सिटिंग जॉब करने के ही इच्छुक हैं। इनमें से जो देखने में आया मुख्यतः दो बीमारियां युवाओं में बहुत ज़्यादा घर कर रही हैं, एक तो यह सर्वाइकल की और दूसरी जो है L4-L5 लोअर बैक पेन, जिसे साइटिका भी बोलते हैं, और डॉक्टर्स कई बार भरमा लेते हैं। अब किस चक्कर में भरमा लेते हैं ये तो खुद जाने, जिसे हम बोल देते हैं कि इसके डिस्क स्लिप हो गई है। क्या उनका उपचार योग द्वारा आसानी से किया जा सकता है? किया जा सकता है तो कितने दिनों में उसमें आराम आना शुरू हो जाता है, कृपया ये हमारे दर्शकों को बताएं। योग के द्वारा इसका पूरा इलाज किया जा सकता है जी, अगर व्यक्ति का शरीर बहुत सख्त हुआ, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग के कारण हमारी जो डिस्क हैं वो थोड़े सख्त हो जाती हैं, कमर थोड़ा अकड़ जाता है, आदमी का पोस्चर भी कईयों का चेंज हो जाता है। हम यहाँ उसके लिए पहले पंचकर्मा करवाते हैं, पंचकर्मा से शरीर को थोड़ा नरम करके, उसके मसल्स को नरम करके सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर उसको हल्के हल्के आसन देते हैं। तो कम से कम 3-4 महीने में दोनों तरह की बीमारियों से लोग आराम से निजात पा सकते हैं, कमर दर्द में भी, डिस्क प्रॉब्लम में भी, और गर्दन दर्द वाले भी। गर्दन का बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ, तो डेली आते हैं इस तरह। नमस्कार, सबसे पहले मैं हर्ष प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ चंडीगढ़ लोकसभा की तरफ से। जैसे कि हमारे आचार्य नेगी जी ने बताया कि हमारी जो संस्था है आज से 4-5 वर्ष पहले लाहौर में प्रभु रामलाल जी ने स्थापित किया था, उसके बाद हमारे दादा गुरुदेव मुलुकेश्वर भगवान जी ने 7-8 आश्रमों का निर्माण किया, और सन 1978 में चंडीगढ़ लोकसभा का हमारे सदगुरुदेव भगवान स्वामी देवदास जी ने स्थापित किया, और यहाँ पर पूरे ट्राई सिटी में 3 आश्रमों का निर्माण किया, सेक्टर 7 NAC मनीमाजरा में, और सेक्टर 12 पंचकुला में, और ट्राई सिटी में 3 आश्रम 1978 से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आम पब्लिक की। और यहाँ पर ऐसे असाध्य रोगी आते हैं जिनका कोई इलाज नहीं एलोपैथी में, PGI में, जैसे कि नज़ला हुआ, सर्वाइकल हुआ, स्पोंडाइलाइटिस हुआ, फेफड़ों बीमारी से, जैसे कोरोना के बाद भी काफ़ी लोगों में दिक्कत आई है कोरोना के बारे में। तो यहाँ पर योग के सर्व साधनों द्वारा नीति जल नीति दंत धोती वगैरह से, और योग के सर्व साधनों के द्वारा यहाँ पर सब इलाज किया जाता है। हर वर्ष की भांति प्रभु रामलाल जी का, महाराज जी का जन्मदिन मनाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में 136वां जन्मदिन शुभ जन्मदिन 17 अप्रैल 2024 को हम चंडीगढ़ लोकसभा की तरफ से मनाया जा रहा है, और इस शुभ अवसर पर 3 दिवसीय योग निःशुल्क कैंप चंडीगढ़ लोकसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 13, 14 और 15 अप्रैल को यहाँ पर निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आज 13 अप्रैल को सैकड़ों साधक यहाँ पर आए, उन्होंने योग के बारे में जाना और काफ़ी लाभान्वित हुए। उन्होंने बहुत अच्छा, जो पहले जैसे हमने एक यहाँ पर हमारे पत्रकार भी आए थे तो उन्होंने योग साधना देखी, उन्होंने की तो उनको जल क्रिया कराई और नेति वगैरह कराई, तो उनको पहले दिन ही ऐसे हुआ जैसे हमारी आंखें खुल गई हैं, और जैसे फेफड़ों में कंजेशन थी, छाती में कंजेशन थी, गले में खराश थी, तो उनको काफ़ी लाभ हुआ आज पहले दिन ही। नरेश जी, आपकी बातों से लगता है कि आप काफ़ी लंबे हमें समय से योग को समर्पित हैं, कृपया आप हमें खुद के जीवन में जो योग द्वारा बदलाव हुआ है और अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सन 1992 में यहाँ पर आया था, मेरे को छींके बहुत आती थी, नज़ला जुकाम था, रेशा बहुत गिरता था, और सबसे पहले नेगी जी ने, जो हमारे आज 40 साल से यहाँ सेवारत हैं, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, तो इन्होंने मेरे को अटेंड किया था, और प्रभु कृपया से यहाँ पे मेरे को घी डाला गया, जल क्रिया कराई गई, नेति कराई गई, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को छींके नहीं आती, कोई जुकाम खांसी रेशा बिल्कुल नहीं गिरता। और सभी पूरे ट्राई सिटी के सभी आत्मीयजनों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी बीमारी जो असाध्य है, जो एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, जैसे रेशा मेरे खुद को ये प्रॉब्लम थी, आपको कुछ सर्वाइकल स्पोंडाइलाइटिस जैसे आजकल के युवाओं में काफ़ी बढ़ रही है, तो यहाँ चंडीगढ़ लोकसभा का सेंटर है योगदेव मंदिर,
स्वामी देवदास जी महाराज ने सन 1978 में स्थापित किया था। और यहाँ पर निःशुल्क सातों दिन 30 दिन पूरे निःशुल्क 365 दिन यहाँ निःशुल्क साधना कराई जाती है। आप यहाँ योग देव मंदिर में आएँ और जो भी असाध्य बीमारियाँ हैं उनका सब प्रभु कृपा से यहाँ सब इलाज होता है।